गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम भाई। सूर्य देखो निकल गए हैं, सूर्य देवता आपको दिखाता हूँ, बाकी बाद में बात करूँगा। तो भाई अभी आपने देखा सुबह सुबह सूरज के दर्शन करा दिए हैं। तो भाई बस उतते उठे थे, मगर अभी सूर्य उदय होने वाला है, तो एक बार इसकी वीडियो बना लें कुछ। ये देखो वाह क्या नींद भी भरी पड़ी है, क्योंकि रात नवारी सोए थे, तो इस चक्कर में मगा भाई दिखाते हैं वहाँ भी लोगों को। सूरज देवता ने निकलते हुए, तो मैंने आपको रूम टूर भी नहीं दिया था, अभी एक बार रूम टूर भी दे देता हूँ। अभी तो रूम क्या, रूम का तो बुरा हाल हो। ये अपना संजू बाबा सो ही रहे हैं, अभी उठे भी नहीं है। साथ में किचन दे रखा है, बाथरूम है, बाकी तो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। रात को तो ऐसे ही कैंप ले लिया था, कैंपिंग करने का विचार था, लेकिन वही बहुत लेट हो गए थे, तो उस चक्कर में मगा भाई कैंपिंग को छोड़ो, अब रात को तो टेंट ही ले लो तो बढ़िया है। तो भाई ये देखो रात को अपन लेट हो गए थे, यहाँ पे रुके हैं अभी नारकंडा में आके। और भाई सही बात तो ये भाई, कैंपिंग करने की रात को अंधेरे में तो जगह मिलेगी नहीं कहीं। हमने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं जगह नहीं मिली, क्योंकि रास्ते में हमारी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कोई पंचर वंचर हो गया था, उस चक्कर में 1.5-2 घंटा लग गया, तो इस वजह से हम उसका टाइम पर पहुँच नहीं। और चीज़ देखे जाए, अपना खाना अपने आप बना के खाने में अलग ही मजा आ रहा है भाई। ये देखो आमलेट बनाई है अब, ये संदीप भाई जी देखो आमलेट बना रहे देसी घी में मक्खन में। ओए 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 भाई क्या मजा खाने में। ये देखो ये देखो ये वाह भाई वाह। ओए 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 होटल भी क्या करेंगे यार, फैल है होटल, बिल्कुल फैल भाई। देखो सब करना पड़ता है, अपना कैंपिंग करेंगे तो ये काम भी करना पड़ेगा। अंकित भाई देखो अंकित की ड्यूटी आज, अंकित की ड्यूटी स्पेशल हमने बर्तन मांजने के लिए बनाई हुई है, और संदीप भाई की चाय बनाने के लिए, ठीक है, और आमलेट वामलेट मेरी ड्यूटी भाई। सब सोचते हो भाई आज तक टोपा पहन के कैसे बैठा है भाई, यहाँ पर ठंड इतनी है टोपा पहनना पड़ रहा है, क्या करे। तो भाई अभी टोपे पे ध्यान हटा गए, और आप अभी वो देखोगे हम जा कहाँ रहे हैं। अभी एक जगह बताइए भाई यहाँ पे, उसका नाम तो मुझे इतना आइडिया है नहीं, मैं अभी पता करके आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। और आज वहीं पे प्रोग्राम है हमारा कैंपिंग करने का, कि हम वहीं पे कैंपिंग करेंगे भाई। भाई देखो पीछे से है ना जो नारकंडा से रोड आ रहा था, तो इसके बीच से ये एक ऊपर रोड आ गया, ये जाता है, अरे ये कौन सी जगह जाता है ये रोड, ये हाथू पीक पे जाता है, हाथू पीक पे ये वाला, और हाथू माता का मंदिर से मेरे हाँ ऊपर जो है हाथू माता का मंदिर है, ठीक है। अभी वहाँ पे जाके ना 360 व्यू है, तो वो भी दिखाएंगे आपको, और कैंपिंग करेंगे वहीं बीच में, वहीं पे बीच पे करेंगे। भाई एक रोड ये जाता है, ये कहाँ पे जा रहा है अपना, बार जब हम आए थे देखो ये रास्ता है ना कैंप की तरफ अपना, और भाई अभी ये देखो 7-8 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ पे ऊपर जाने का, और ये रास्ता बहुत ही मतलब डेंजर और भीड़ा छोटा रास्ता बताया है। वहाँ पे मोबाइल वोबाइल भी काम नहीं करेंगे, ये तो लग रहा है मुझे कि वहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। अब देखते हैं भाई कैसा कैसा रहेगा नज़ारा। भाई बड़ा खतरनाक रास्ता है बिल्कुल, लेकिन एक बार तो चढ़ाई में दिक्कत आती है भाई। देखा भाई कैसा रास्ता है, ये मंदिर में जा रहा है सीधा, यहाँ पे मंदिर है, और इसी कारण से सारा ये गड़बड़ हुई पड़ी है, सारा रोड वैसे तो बना तो रखा भाई रोड, भीड़ा बेशक है, बजा के चलना पड़ेगा आपको, गाड़ी आपका पता नहीं चल रहा आगे से, एकदम से गाड़ी आ रही है अभी बच गई, वो भाई नए थे तो साइड दाब के चल नहीं रहे थे, वहीं चल रहे थे। ये देखो भाई बच्चे पैदल आए हैं वहां से मंदिर से घूम के रास्ते उतरे हुए ना, अपना यहाँ किसी किसी ने प्राइवेट प्रॉपर्टी ले रखी ना, तो वो अपने रास्ते बनाए हुए उन्होंने वहां जाने के लिए। अरे अरे अरे
अरे रे 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 भाई 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 भाई, वहाँ है रास्ता थोड़ा सा, पीछे तो सिंगल है, ये इत्थे थोड़ा रास्ता ये रहा। भाई देखा कितना भीड़ो रस्तो है, गाड़ियां मतलब एकदम से आ जाती है तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो फिर भी ऐसे निकालनी पड़ती है भाई, मदद एक दूसरे की करके निकल जाएगी या नहीं निकलेगी बताना पड़ता है भाई। मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है भाई वहां तक, फिर तो बढ़िया है, फिर तो यहीं कैंपिंग कहीं देखने में करने में मजा तो आ गया। ये देखो नीचे खाई, इतना जबरदस्त सीन है, देखने लायक है भाई, बिल्कुल फुल खतरनाक मोड़ है भाई। कती दो बार आगे पीछे करके लेनी पड़ रही है भाई, क्या करें। फॉल ये मिली भाई पहली बार का मतलब है इस रूट पे पहली बार ये स्नोफॉल। देखो कितनी ताजी बर्फ है, बिल्कुल बिल्कुल ताजी नई। रोक के दिखाता हूँ, लेकिन रोकना तो ठीक नहीं है भाई। भाई सीजन की पहली स्नोफॉल देखो, और आगे रोड पे भी जमी पड़ी है, ये देखो नई ताजा ताजा गिरी है, सुबह ही गिरी है आज सुबह, हम थोड़े लेट हो गए लेकिन कितनी ताजा है ये देखो। पहुंच गए भाई मंदिर पे, ये देखो ये मेरे सामने पीछे आपको मंदिर दिख रहा है ये वाला, इसी मंदिर के उसमें हम ये बर्फ के लिए यहाँ पे आए हैं भाई। बर्फ भी है यहाँ पे और मंदिर भी है, और आपको ताजा ताजा बर्फ के दर्शन कराता हूँ। बिल्कुल ये देखो कैसी है, देखो बिल्कुल रुई जैसी है, बिल्कुल सीजन की पहली बार बर्फ देखी है इस सीजन में। और ये ऊपर मंदिर देखो भाई, वाह भाई वाह, ये देखो भाई पूरी चादर बिछी हुई है, चादर बिल्कुल जैसे चादर बिछ जाती है ना बर्फ की, इस तरीके से मंदिर का। ये आ गया मेन द्वार, ये है देखो दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे ठंड हो रही है भाई जबरदस्त, जिसको बोलते ना आखिर ठंड है आखिर, ये है भाई मेन द्वार। देखो माता का मंदिर है, जय माता जय माँ हाटू। ये ऊपर भी रोड कहीं पे जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है पता नहीं, ये बंद कर रखा है वहाँ पे गेट था जो, कहीं ना कहीं तो जा रहा है ये भी। ये लिखा महत्वपूर्ण सूचना, कोरोना महामारी की वजह से सभी श्रद्धालुओं को देखिए मास्क का प्रयोग करें। अच्छा ये पहले है भाई, पहले वाला सीन है, देखो कितना बढ़िया, कैंपिंग करने का मज़ा है वैसे तो यहाँ पे, पर करने नहीं देंगे भाई, है ना। ये मंदिर है भाई, आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के भी, माता का मंदिर, जूते निकाल के दर्शन करके आते हैं भाई। तो भाई ये थे यहाँ पे माता के दर्शन आपको कराए, और मेरे पीछे देखो टापू पे पूरा ऊपर तक का वो है, हैं अपना पीछे यहाँ पे भाई फोटो वोटो खींचने के लिए। यहाँ पे जो सुबह है ना अभी, मतलब सुबह नहीं सॉरी शाम को अभी सन जैसे मतलब सूरज डूबेगा तो उसकी फोटो भी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त आती है। समझो भाई देखो भाई ऑफ रोडिंग करने लग रहा है, और नज़ारा देखो आप सूरज का कैसा आपको दिख रहा है, बिल्कुल गाड़ी अपनी बर्फ में खड़ी है।
बिल्कुल, और पूरा देखो कितनी अच्छी सुहानी सुहानी नई बर्फ है, बिल्कुल कोई वो पुरानी नहीं क्या भाई, कोई भाई ये समझे पुरानी है, ताज़ा बर्फ है ताज़ा। और बताओ भाई देखो अपने पीछे ये अपनी थार, चलो चलो जाने दो ये जाने दो भाई। संदीप भाई अपना बैग ला रहा है बैग, और आने दो भैया भाई, ये देखो और ये देखो भाई ग्रिल की साइड पे ये खतरनाक वाओ, ये खतरनाक भाई, ये खतरनाक बिल्कुल खतरनाक। तो भाई भी कर रहा है देखो ये भाई अंकित भाई को भी अभी अपना कैंप लगाने की तैयारी होगी अपना, देखो यहाँ पे गाड़ियों लगा दी हैं, और ये कैंप है ना चोटी पे है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हाइट पे, कम पे नहीं है, और बर्फ के अंदर कैंपिंग करेंगे अब आज रात को हम। ये देखो यहाँ बर्फ है और गाड़ियां लगा रहे हैं अपनी, गोल चक्कर बनाएंगे गाड़ियों का पूरा, इस साइड घुमा दो थोड़ी। ये देखो ताजा कितनी पटर पटर की आवाज आ रही है, खाएगा मजा आएगा। गाड़ी बंद कर तू अपनी भाई, नहीं मेरा चार्जिंग पे लगा हुआ है, आपने टाइम लैप्स बंद कर दिया कि उसी में चला रहे हो, बंद कर दिया भाई, क्या ठंडी कैंपिंग में। और भाई मैगी अपनी तैयार कर ली हमने, किसने करी भाई तैयार बताओ, हमारे भाई ने करी है, कैसा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा भाई, मसाले डाले बढ़िया इसमें भाई। ये देखो अपने टेंट रेडी हो गए, और उधर देखो भाई अपना कैंप तैयार, ये देखो और ये लाइटें देखो, वाह भाई वाह क्या मस्त लाइटें हैं, वाइट एंड रेड। ये प्याज काट रहे हैं और अभी चल रहा है प्रोग्राम खाने का बनाने का, ये एक टेंट अपना ये है और एक टेंट अपना वो पीछे है, और ये गाड़ियों का घेरा है देखो। तो भाई अब ये कमेंट्स करके बताना आपको कैसा लगा हमारा सेटअप, मस्त अपनी जान में भाई पूरा मस्त बनाया है, और अभी बोन फायर की तैयारी चल रही है। ये देखो भाई इधर संजू भाई आग लगाने में लग रहा है, लेकिन ये आग लग नहीं रही है, पता नहीं कितना टाइम और खाएगी, लेकिन लगेगी। बोन फायर भी अपना स्टार्ट, क्यों ये देखो क्या मोहित जी मजा आया, बिल्कुल जी एक नंबर का, एक नंबर क्यों भाई अंकित बाबा, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मजा ही लेने तो आए हुए हैं भाई। ये देखो अपने पाजी वहाँ लगे हुए हैं भाई, बर्फ जम गई है देखो पाजी अपनी गाड़ी टेबल पे, और ये इस पे देखो देखा, और ठंड का मत पूछो भाई ठंड कितनी है, ये देखो इसके ऊपर देखो आप कितना, बैटरी गई आपकी, ये देखो कैसा लग रहा हूँ इसमें, कैसा हो गया, क्योंकि भाई सर्दी ज्यादा, सर्दी से बच के रहना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई आप इसमें ज्यादा मतलब व्लॉग बनाने के चक्कर में कपड़े भी निकाल दो सारे, नहीं भाई सर्दी से बच के रहना है भाई, इस का सारा भाई डांस देखो लौटने का, ये संजू बाबा ये भाई जाडे में पैक हो गए, ना चलना रे सारे पैक हो गए, बिल्कुल पैक हो गए, क्या देखो भाई तारे, दिखाओ तारे देखो तारे,
हमने यही देखे अपने, वहां तो तारे खत्म हो चुके भाई। ये देखो, एक दो, एक पीछे चली तीन, एक रेड रेड एक्सप्लोरर पीछे खड़ी है, वाइट एंड रेड है, और एक ये भाई मोहित भाई की, ये रही, ये देखो भाई। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। राम राम, राम राम, राम राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब भर दो भाई की बार, देखो।